देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब कर ना जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझसे लिखाया है। बागवान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है। ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कुछ बच्चों ने कभी जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उनको चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां हुआ करती थी, लेकिन अब सन्नाटा है। जमाना बदल गया है, जिंदगी बदल गई। हमारे उम्र के लोग याद करिए, कैसे बेकार के रिश्ते बंधनों में बुझे रहते थे। बाप के चेहरे पे हमें ईश्वर दिखाई देता था, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रखकर वो आगे निकल जाते हैं, मगर जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं रहता तो उसे घर के किसी टूटे फूटे मेज, कुर्सी, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह किसी कूड़ेदान में फेंक देते। लेकिन जिंदगी किसी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती। जिंदगी पेड़ की तरह होती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी की पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना भी हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराता है। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी का पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता। जिंदगी भर अपने बच्चों की खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस जुर्म में आंसू और तन्हाई की सजा सुना दी जाती है। अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो हमसे हमारा प्यार छीनने का उन्हें अधिकार किसने दिया। क्या समझते हैं ये बच्चे कि जिन मां बाप को प्यार के बंधन में बांध के भगवान ने एक किया है उन्हें ये बच्चे लोग दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग तड़पने के लिए छोड़ सकते हैं? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद पालती है, इसी दिन के लिए? औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वही उनका कल होगा। आज हम बूढ़े हैं, कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। और रही मेरी बात तो हमारी चिंता तो आप कीजिएगा मत, क्योंकि अगर हम उन बच्चों को पाल सकते हैं जो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ समझ सकते हैं, तो हम अपने आप को भी पाल सकते हैं। हमें किसी से कोई उम्मीद की जरूरत नहीं है। हम खुशकिस्मत हैं। हम खुशकिस्मत इसलिए हैं क्योंकि जिंदगी ने हमें एक ऐसा हम सफर दिया जिसके साथ चलते चलते रास्ते आसान होते गए, जिसके साथ चलते चलते उलझने सुलझती गई, और वो हम सफर है मेरी पत्नी। लोग अक्सर मोहब्बत करते हैं लेकिन ये बात जितनी बार बोलनी चाहिए बोलते नहीं। मैं ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहूंगा। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं, बेहद मोहब्बत। थैंक्स फॉर बीइंग। तुम हो तो हम हैं
तो सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। बस यही कहना था मुझे।